हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं, आमेन। प्रभु से प्यार करते हैं, कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है, हालेलुया, आमेन। कितने पूरी तरीके से निर्भर हैं प्रभु पर, आमेन। 1-2% नहीं, 100% मुझे प्रभु पर निर्भर होना है, आमेन। क्योंकि वही है हमें जिलाने वाला, वही है हमें आगे लेके जाने वाला, जिसका नाम है यीशु मसीह। बोलिए, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा मुक्ति दाता है, यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आने वाला है। आमेन, विश्वास करिए। और हम उस आशा के संग अगर इंतजार करेंगे बेसब्री से, तो हम कोई पाप नहीं करेंगे। आमेन। एक दुल्हन के रूप में हमें बन के रहना है, क्योंकि प्रभु आने वाला है। इससे बड़ा आशीष कोई नहीं है। इससे बड़ा सुख कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आप विश्वास करिए। हम प्रभु के बारे में देखिए, अगर आप परमेश्वर के बारे में, मनुष्य के बारे में और जानवर के बारे में जाने, अगर तीनों को आप देखें, तो परमेश्वर का ना तो आदि है ना अंत है। प्रेज द लॉर्ड। जानवर का, क्योंकि जानवर के अंदर आत्मा नहीं होती है, उसके अंदर शरीर और प्राण है, सिर्फ आत्मा नहीं होती जानवर के अंदर। तो जानवर का अंत है, जानवर का आरंभ भी है और अंत भी है। मनुष्य का आरंभ है लेकिन अंत नहीं है। आप मौत को अंत समझते हैं, मौत अंत नहीं है। मनुष्य की मौत अंत नहीं है, मौत के बाद न्याय है। ये बाइबल हमें बताती है, मनुष्यों के लिए अंत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप समझे कि साहब कुछ भी काम करके हम तो मर जाएंगे, नहीं, आप कहां जाएंगे आपको नहीं पता। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे लिए जीवन छोड़ता हूं और विनाश छोड़ता हूं, जो तेरी इच्छा है ले ले। परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा पर निर्भर किया है, फ्री विल दी है हमें। उसने कोई हम पर अंकुश नहीं लगाया कि तुझे यही करना है, लेकिन हां, उसने हमें रास्ता बताया है कि अगर तू इस रास्ते से जाएगा तो आशीष पाएगा, और अगर तू इस रास्ते से नहीं जाएगा तो इबलिस के साथ, शैतान के साथ नरक में सड़ेगा। गंभीर विषय है। लोग सोचते हैं कि हां साहब, हम इस जाति में पैदा हुए। कुछ हिंदू सोचते हैं कि हम इस जाति में पैदा हुए, हम तो स्वर्ग ही जाएंगे। कुछ मुस्लिम बोलते हैं, मक्का मदीना होके आ जाएंगे, हम स्वर्ग ही जाएंगे। नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों 9:27 पढ़िए। इब्रानियों 9:27 में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आप प्रभु में नहीं रहे, अगर आपने सही तरीके से जीवन नहीं बिताया, तो न्याय है। क्या लिखा है पढ़िए बेटा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमेन। किसके लिए? मनुष्य के। किसके लिए? मनुष्य के। अपने पड़ोसी से बोलिए, आपके बारे में बात हो रही है। बोलिए बोलिए कि आपके बारे में बात हो रही है। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय।
इसलिए आप ये समझें कि साहब यहाँ पर तो उस जीवन से 70-80 साल में जो भी किया उसके बाद तो पता नहीं जाएंगे नहीं भैया। अगर आप सही जीवन नहीं जिएंगे तो चाहे कोई भी हो बस चीख चिल्लाट होती रहेगी। इसीलिए यीशु मसीह आया, उसने अपना लहू बहाया, बलिदान किया अपने आप को, ताकि अभी भी वक्त है। समाज को छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, रिश्तों को छोड़ो, अभी भी स्वीकार कर लो यीशु मसीह को, नहीं तो न्याय होगा। और उस समय आप जवाब नहीं दे पाएंगे जब न्याय होगा तो। इसलिए यीशु मसीह कहता है सकरे मार्ग पर चलो। आपको सकरा मार्ग पसंद नहीं आता, आपको चौड़े मार्ग पर चलने की आदत है। अरे छोड़ो यार, इसमें क्या हुआ यार, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे लाइफ का। हाँ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे लाइफ का, बिल्कुल करेंगे, 70-80 साल तक एंजॉय करेंगे। और अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो उसके बाद क्या होगा ये याद रखिए, खत्म नहीं हुआ है वो चैप्टर, खत्म नहीं होगा आपका। और कितने दिन, कितने जल्दी समय बीतता है, याद है 2023 अभी शुरू हुआ था, 5 महीने खत्म हो गए। मुझे लगता था मैं अभी जन्म हुआ है और 50-60 साल खत्म हो गए। खत्म हुए कि नहीं हुए? 40 साल खत्म, 30 साल खत्म, क्या किया हमने कुछ पता नहीं, और 30 साल भी खत्म हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर अपने आप को आपने नहीं संभाला तो क्या होगा? न्याय। न्याय का होना निश्चित है। और उस समय बाइबल कहती है कि आपको कोई नहीं पूछेगा। प्रभु कहता है मैं नहीं याद करूं, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा कि साहब मैं प्रभु, तुम प्रभु 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 करते थे कि साहब मैं तो चर्च भी आता था, मैं तो रोज चर्च जाता था सर। न्याय होना है, अगर तुम सही तरीके से नहीं चलोगे तो न्याय निश्चित है। Praise the Lord। यीशु मसीह को जब लोग बुलाते थे, और यीशु मसीह जब बीमार पापियों के संग बैठता था तो फारिसीज कहते थे उनके चेलों से, कहाँ बैठता है ये, क्यों तो पापियों के साथ बैठता है? तो यीशु मसीह कहता था कि डॉक्टर, वैद्य जो है वो बीमारों के लिए आया है। Praise the Lord। हालेलुया। पांचवा पढ़िए हालेलुया, लूका 5:31-32, कि जो यीशु मसीह है वो बीमारों के लिए आया है, चंगों के लिए नहीं आया है, वो धर्मियों के लिए नहीं आया है, वो पापियों को पश्चाताप की स्वभाव देने के लिए आया है, ताकि पश्चाताप आप करें। पढ़िए बेटा 32वां। यीशु ने उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। 32, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। Praise the Lord। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा मेरे पीछे हो ले, मती से कहा मेरे पीछे हो ले, और उसने पूरा काम छोड़कर उसके पीछे हो लिया। क्या था उसके पास? यीशु मसीह वो ज्योति है, जिस दिन हम उस ज्योति को अपने अंदर लेते हैं हम अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह एक वो नाम है जो स्वर्ग से उतरा है। यीशु मसीह वो नाम है जो सामर्थी है, जो अभिषिक्त है, वो नाम परमेश्वर ने हमको दिया है, हमें उस नाम के साथ अपने जीवन को बिताना है, तब हम उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे।
पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, आपके स्वभाव में तब्दीली आती है। आमेन। आपका स्वभाव जो कठोर था वो पूरी तरीके से नरम हो जाता है। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यीशु मसीह में, वो यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है जो आपको अपने योग्य बनाता है। इसीलिए उसने चेलों से पूछा था कि तुम क्या कहते हो कि लोग मुझे कहते हैं। मत्ती 16:15-18 कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो पत्रस ने क्या कहता कि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, उसके नाम में अभिषेक है। यीशु मसीह के नाम में, बोलिए मेरे साहब, यीशु मसीह के नाम में अभिषेक है। इसलिए जब भी आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आप बंधनों से आजाद होते हैं। यीशु मसीह का नाम जब आपके अंदर जाता है तो बंधन टूटते हैं, शैतान निकलता है आपके अंदर से, बीमारियां खत्म होती हैं। वो नाम है यीशु मसीह। Ephesians 1:19-23 के बीच में वो नाम है यीशु मसीह। जल्दी पढ़िए। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरी हुए में से जिला कर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आमेन। यीशु मसीह के पास सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर प्रकार के नाम जो न केवल इस युग में लिया जाएगा पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा बैठा दिया। हर नाम के ऊपर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पैरों के नीचे हर नाम है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप कहां बैठे हैं? कलीसिया में। कहां बैठे हैं आप? कलीसिया को क्या दिया गया है? पढ़िए आगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। आमेन। हेलो, सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया, सब कुछ, और सब वस्तुओं पर संसार की जो दिखने वाली सब वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं जो हैं, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमेन। आप जानते हैं आप कौन है? आप कलीसिया की, आप उसकी देह के अंग हैं। यीशु क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। चर्च क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और हम कौन हैं? उसके अंग हैं। बोलिए, मैं उसका अंग हूं। मैं उसका अंग हूं। यीशु मसीह मेरे शरीर का सिर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कौन हूं? अंग हूं। हेलो, तो परमेश्वर ने क्या किया कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। पांव क्या है? शरीर का अंग है। प्रेज द लॉर्ड। वो कौन अंग कौन है? मैं और आप हैं। यानी कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे नीचे कर दिया है। अगर आप कलीसिया से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ है। अगर आप कलीसिया से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है, आपके जीवन में। याद रखिएगा, एक पढ़े आपका 23वां। यह उसकी देह है और उसी कलीसिया क्या है? उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और उसी की परिपूर्णता है। किसकी परिपूर्णता है? परमेश्वर की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ करता है। आमेन। ये देह जो है उसकी परिपूर्णता है। चर्च
बॉडी जो है वो परमेश्वर की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ करता है। आप इस चीज को समझिए, आप कलीसिया को उसकी कीमत को समझिए, आप अपने आप की कीमत को समझिए कि आप कलीसिया के संग जुड़े हुए हैं। इफिसियों 5:29, आप कलीसिया के संग जुड़े हुए हैं, आप उसकी कीमत को समझिए। कलीसिया क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम कौन हैं? उसके अंग हैं। आप जब तक शरीर के संग जुड़े रहेंगे, परमेश्वर आपका पालन पोषण करता रहेगा। हेलो, यीशु मसीह आपका पालन पोषण करता रहेगा। 5:29, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आमेन, हालेलुया। कलीसिया का पालन पोषण कौन करता है? हेलो, कौन करता है? बाइबल में लिखा हुआ कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, नहीं होते, लिखा हुआ है। कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। कलीसिया का पालन पोषण कौन करता है? आप कलीसिया के संग जुड़े हुए हैं तो आपका पालन पोषण कौन कर रहा है? आप घर में बैठे रहेंगे, हमारी कई बहनें हैं घर में बैठी हुई हैं। मैं बताता हूं भाई कि गलत है, नहीं करेंगे ब्रदर, करेंगे, आप प्रार्थना कर रहे हैं बहुत है, मेरी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। आपको आशीष पाने के लिए जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। यूहन्ना 15:4, यहां पर बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रेज द लॉर्ड, बड़ी जल्दी बढ़िया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसी डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आमेन, साफ साफ बोल रहा है वो। परमेश्वर एक दाखलता है, मैं डाली हूं, अगर मैं उसमें बना रहूंगा तो ही फलूंगा फैलूंगा। आप लोग जो कहते हैं ना, कलीसिया में आते जाते, कभी आए कभी चले गए, मन हुआ तो आ गए, आज बरसात हो गई नहीं आए, धूप निकल आई, घर में बैठे हुए हैं। आप को अगर चाहिए कि आप बने रहें, आपके अंदर फल बनता रहे, तो आपको जुड़ना पड़ेगा। और जितनी मजबूती के संग आप जुड़ेंगे, ये आपके ऊपर है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे जुड़ें। आपको अपना जोड़ मजबूत करना है ताकि छोटी सी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, मेरा जोड़ जो दाखलता से है, पेड़ के संग है, उखड़े नहीं। जो कमजोर डाली होती है, जरा सा तूफान आता है, जरा सी हवा चलती है, उखड़ जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? कौन सी डाली उखड़ती है? जो कमजोर होती है। जो मजबूत डाली है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो नहीं उठती है। और उसके बाद क्या होता है? फल लाते हैं उसके ऊपर। हमें वो डाली बननी है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हमें उस पेड़ के संग, अपनी दाखलता के संग, अपने यीशु के संग, अपनी कलीसिया के संग नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जब प्रभु में आया, बहुत लोग समझते हैं कि मैं आते ही मुझे आशीष मिलना शुरू हो गया था इसलिए मैं प्रभु में हूं, मुझे पैसा मिलना शुरू हो गया था, कहीं से आशीष मिल रहा था इसलिए मैं प्रभु में बना रहा। नहीं, मेरी बीवी गवाह है, जब मैं शुरू में आया था 8-9 महीने तक मेरे पास चर्च जाने के लिए पैसा नहीं होता था, मेरे जूते फटे होते थे, कपड़े के जूते होते थे मेरे पास, और एक अंगूठा मेरा बाहर निकलता था, और मैं जब किसी से बात करता था तो ऐसे ऐसे खड़ा होता था मैं, ताकि वो जूता पीछे रहे। और मेरा चर्च काफी दूर था, मैं रहता था यारी रोड पर, और मेरा चर्च था आपका 4 बंगला में,
तो उस समय 26 रुपए लगते थे हमारे घर से चर्च के लिए, और जब वो नहीं होते थे तो मैं पैदल जाता था, अपने बीवी बच्चे को छोड़ जाता था क्योंकि वो जा नहीं सकते पैदल, मैं जाता था। तो 8-9 महीने तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मैं एक बार खड़ा हुआ था चर्च में, दाढ़ी बड़ी हुई थी और एक पास्टर आए हुए थे, आज भी मुझे याद है, उन्होंने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की थी कि आप बहुत ही इस समय इकोनॉमिकली बहुत क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो मैंने कहा यार वो तो मेरी दाढ़ी दिख रही है कि मैं दाढ़ी में हूँ, मेरे कपड़ों की हालत ऐसी है, परमेश्वर बहुत जल्दी आपके जीवन में काम करने वाला है। मैंने विश्वास नहीं किया कि यार, क्योंकि मुझे पता नहीं था भविष्यवाणी क्या है, प्रभु कौन है, लेकिन आहिस्ता मुझे पता लगा। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे गाने दिए, मुझे जब मैं गाता था चलता था गीत निकलते थे मेरे मुंह से, और मैंने गाने गाने शुरू किए तो पता चला कि मुझे एल्बम बनानी है। और मुझे याद है मैंने अपनी बहन जो दिल्ली में रहती है उससे 1,00,000 रुपये लिया था कि दीदी मुझे 1,00,000 रुपये दो कि मुझे एल्बम बनानी है। उसने कहा ठीक है बना दे। तो पैसा नहीं था मेरे पास और एल्बम भी बनाई थी, मेरे स्वार्थ नहीं था एल्बम बनाने का कि मैं बेच कर कुछ पैसा कमाऊंगा, जो मिलता था जिसको पसंद आता था, पैसे नहीं थे मैं ऐसे ही दे देता था। परमेश्वर आपके स्वभाव को देखता, यूं ही नहीं ऊंचा उठाता वो आपको। आपके स्वभाव में अगर स्वार्थ है आप आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर आपको उन्नति देता है लेकिन फिर भी आपको निहारता है कि अब आप कैसे हैं। जब आप 5,000 में गुजारा कर रहे थे तो आप कैसे हैं, जब आप 25,000 में गुजारा कर रहे हैं तो आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है। यूं ही परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता है, याद रखिए, ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। आपकी अगर ईमानदारी आपके साथ नहीं है आप भूल जाइए, आप अपने आप खुद अपने स्वभाव की वजह से परमेश्वर का आशीष खो देंगे। अगर आप परमेश्वर के संग ईमानदारी के संग जुड़े हैं मैं आपको दावा करता हूं कि आपको आशीष मिलेगा ही मिलेगा, आपका पालन पोषण होगा। प्रभु का वचन सत्य है, वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड, वो सर्वोत्तम है। यीशु मसीह का नाम हर नाम से ऊंचा है, ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, उसके नीचे हर वो नाम है। यशाया 40 पढ़िए, यशाया 40 28 से 31 के बीच में, वो कैसे काम करता है, उसका सामर्थ्य क्या है। बहुत जरूरी है कि हम जाने, हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिसके चरणों में आए हैं, हम उसको जाने कि वो है कौन। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तुम किसके पीछे आ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं किसके पीछे जा रहा हूं, मैं क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं, वो कौन है, हमें जानना चाहिए। पढ़िए बेटा 40 का 28 से 31। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, हाँ, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि को कोई नाप नहीं सकता है, वो सर्वोत्तम है, उन्हें थकता ना श्रमित होता है। वो सदियों से एक ही उस सिंहासन पे विराजमान है, वो यहोवा है, वो यीशु है। आप लेते लेते थक जाएंगे, वो देते देते नहीं थकेगा। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग जानकर भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हालेलुया। अगर आप जानकर भी अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।
जानिए उसको, उसके सामर्थ को जानिए, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है, वो आने वाला है। हालेलुया। वो ना थकता ना श्रमित होता, ना उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है। 29 वह थकी हुओं को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ देता है। आमीन। वो थके हुओं को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ देता है। वो शक्तिहीन जो उसके घर पे आता है, वो शक्तिहीन जो उसके चरण, जो उसके चरणों में आता है, जो कहता है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, प्रभु दया कर, मेरी झोली भर दे परमेश्वर, दया कर, मैं तुझ पर आस लगा के बैठा हूं, मैं तुझको अपना परमेश्वर मानता हूं। हालेलुया। जो उसके घर में आता है, जो उसके दर में आता है और कहता है मुझे तेरी जरूरत है, वो उसको अपनी शक्ति से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थके हुओं को, अगर आप थक गए, अगर आप काम करते करते थक गए हैं, अगर मांगते मांगते थक गए हैं, अगर आप अपने जीवन में थक गए हैं, तो आज खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि आप उस परमेश्वर के सामने आए हैं जो थके हुओं को बल देता है। यस। अगर आप कहते हैं कि मैं जीवन से हार गया हूं, आप कोई आशा नहीं है, आप कोई उमंग नहीं है, अभी कोई रास्ता नहीं है, मेरे भाई यीशु वो रास्ता है, यीशु वो उमंग है जो आपको बल देता है, जो आपकी थकान को दूर करता है, जो कहता है कि उठ मेरे साथ चल, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप समझते कि आपकी शक्ति चली गई है, अगर आप समझते कि कहीं कुछ काम करने के लिए योग्य नहीं है, मुझे तो कोई जमाना समझता ही नहीं है, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे धिक्कारते हैं, धुतकारते हैं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास काम नहीं है, लोग कहते हैं कि अब लोगों को मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं है। यीशु कहता है तू मेरे पास आया है, मैं तेरी शक्तिहीन दशा को सामर्थ्य से भर दूंगा। उसका नाम है यीशु मसीह। आप यूं ही नहीं बैठे मेरे भाई, आप धन्यवाद दीजिए कि आप परमेश्वर के चरणों में आ गए हैं, आप धन्यवाद दीजिए उस पल को, आप धन्यवाद दीजिए उस आदमी को, उस औरत को जिसने आपको प्रभु के बारे में बताया और आपको यहां पर लेकर आया, धन्यवाद दीजिए। आप उस प्रभु के पास आए हैं जो आपकी उस दशा में जब आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा वो आपको अपने गले लगाएगा। ये है मेरा प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। आमीन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। Amen. वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Amen. जब आप यीशु के साथ रहेंगे ना, चाहे आप कितना भी दौड़ेंगे आप थकेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, एक ही नाम है, एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह, कोई दूसरा नाम नहीं है। उस नाम को थाम के रखिए, उस नाम को अपना बना लीजिए, उस नाम के संग ईमानदारी करिए, उससे प्रेम करिए। यीशु जो कहता है वैसे ही अपने जीवन की चाल चलिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा, जीवन को आप समझने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जीवन को आपको समझना है कि जीवन है क्या, यीशु है क्या, धरती पर क्यों आया। प्रेज द लॉर्ड। पहला योना 1:5-6-9 पढ़ेंगे हम। तो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अगर उस ज्योति को मैं अपने अंदर लूंगा, मेरा अंधकार दूर हो जाएगा। हालेलुया। छठा पढ़िए जल्दी से। छठा,
यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम कहते हैं कि उसके उसके अनुसार उसके द्वारा मेरी सहभागिता है, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं यीशु मसीह के अनुसार चलता हूं, और फिर भी आप झूठ बोल रहे, उसके संग उसका नाम लेते हुए आप संसार में अगर चल रहे हैं, उसका नाम लेते हुए अगर आप झूठ बोल रहे हैं, उसका नाम लेते हुए अगर आप धोखा दे रहे हैं, तो आप अंधकार में हैं, आप अंधकार में हैं, याद रखिए। और अंधकार में रहकर आप कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। जो लगता है कि मेरा सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। जैसी रोशनी आएगी आपको लगेगा मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है मेरा, इतने सालों से क्या है मेरे पास? अगर मेरे पास मकान है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कुछ भी है, एक पल में जैसे इशू आएगा मैं चला जाऊंगा। क्या है मेरे पास, कुछ है? किसके लिए मैं कर रहे हैं हम? क्योंकि मुझे कहां जाना है ये किसके हाथ में है? आमेन। वो लाजर कोड़ी समझ गया था, इसलिए उसने निंदा नहीं की, उसने कंप्लेंट नहीं की कि आज मुझे इतनी रोटी मिली, इतने सालों से मैं सिर्फ भीख की रोटी खा रहा हूं, कुत्ते मेरा जख्म चाट रहे हैं। उसने की नहीं, इसलिए तो वो इब्राहिम की गोदी में था, क्योंकि वो समझ गया था, वो समझ गया था कि ये जो जीवन मिला है ये कुछ भी नहीं, जो मिलने वाला है वही है। असली जो जीवन है वो मिलने वाला है। हम इस जीवन को सब कुछ समझ लेते हैं, हम इस जीवन को समझते हैं कि अब ये मेरा है, अब ये मुझसे कभी अलग नहीं होगा। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि धनी आदमी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो समझता है मैंने कमाया धन, ये मेरा है, अब मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता इसे, अब ये मेरा है। नहीं मेरे भाई, आपका कुछ भी नहीं है। आप जिसे मेरा कह रहे हैं वो कल चला जाएगा, एक सेकेंड नहीं लगेगा। ये शैतान जो है वो आपको इतना झूठ बोलता है और आप लोग झूठ में आ जाते हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपने कमाया है और वो निकल गया, फिर आप कहते नहीं प्रभु हमें चाहिए, लेकिन जैसे धन आता है फिर हम कहते धन मेरा है, प्रभु थोड़ी देर आप बैठो, मुझे थोड़ा एंजॉय करने दो धन के साथ। अरे आनंद प्रभु के साथ ही है और किसी के साथ नहीं है, सुरक्षा प्रभु के साथ है और किसी के साथ नहीं है। इसलिए नौवां कहता है, नौवां नाइन वो क्या कहता है इसका नौवां? यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। अगर हम कहें कि यस हम कमजोर हैं, हम धन के पीछे भागते हैं, यस मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी है कि मैं धन देखता हूं तो मुझे कुछ होता है, आप मानेंगे, जिस दिन आप अपनी कमजोरी को मान लेंगे परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। Praise the Lord। और तब वो आपको बताएगा कि उसका बल निर्बलता में सिद्ध होता है। Amen। आपके ऊपर है, अभी भी आ जाइए, परमेश्वर आपको देख रहा, ज्यादा दूर नहीं गए हैं अभी आप, प्रभु के करीब आइए ताकि परमेश्वर आपको एक चांस और दे और आपको आशीष मिले और वो सुख मिले और वो आनंद मिले जिसकी वजह से आप जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को बताइए कि आपको क्या मिला है। रोज आईने पर आप शक्ल देखते हैं अपनी, अपने आप को संवारते हैं ना, आप वाल संवारते हैं,
बहनें थोड़ा बहुत मेकअप भी करती हैं, भाई भी बाल संवारते हैं, कभी आईने में अपने आप को बताइए कि तुझे क्या मिला तू जानता है? तुझे यीशु मिला है, उससे बड़ी दौलत और कोई नहीं है। मेरे संग यीशु है। जब आप ये कंफर्म कर लेंगे, जब आप ये अंगीकार करेंगे कि मेरे संग यीशु है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो जाएंगे। आप समझते हैं कि आपको जो धन की राह पर लेके जा रहा है वो बंदा सही है? नहीं, वो दुष्ट आत्मा है जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है। अगर प्रभु से दूर कर रहा है आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका पैसा, तो वो दुश्मन है आपका। क्योंकि अगर प्रभु नहीं है मेरे भाई, क्योंकि वो जो पैसा है, वो जो दौलत है, वो एक ना एक दिन तो जाने वाली है, उसको आप हमेशा के लिए रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता। बड़े से बड़े आप इतिहास देख लीजिए, कोई नहीं रोक पाया, सब खत्म हो गए। प्रेज द लॉर्ड। न्याय देना ही पड़ेगा आपको। इसलिए जीवन रहते अगर हम संभल जाएं, पैसा कमाना, धंधा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले प्रभु को स्थान। यस, जब हम पहला स्थान प्रभु को देंगे ना, तो आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। आपको ऐसी बुद्धि देगा, आपको ऐसी समझ देगा कि आप उस रास्ते पे नहीं जाओगे, आपके अंदर एक वो डर पैदा कर देगा। बाइबल क्या कहती है, नीति वचन का एक एक का साथ, कि यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। पढ़िए बेटा, यहोवा का भय, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आमीन। बुद्धि का मूल्य है, मूल है यहोवा का भय मानना। हर काम करने से पहले उसका भय मानिए कि जो आप काम करने वाले हैं या जो आप काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो महान है और शक्ति दाता है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा जल्दी से, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं कि उनके जीवन में पाप हो रहे हैं, और हम बड़े बड़े मुतमईन हो जाते हैं कि देखो हम पाप नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, व्यभिचारिणी स्त्री मरियम मग्दलिनी का जो इंट्रोडक्शन था वो आप सुनिए, यूहन्ना 8 का 1 से 11 के बीच में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु यीशु जैतून पर्वत पर गया, और भोर को समय वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आने लगे और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब फारसी शास्त्री एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है, तू इस विषय में क्या कहता है? वे उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि वे उस पर दोष लगाने के लिए कोई आधार मिले। परंतु यीशु ने झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु जब वे बार बार उससे पूछते रहे, तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उसे पत्थर मारे। वो फिर झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब उन्होंने ये सुना, यानी कि भीड़ ने सुना, तो पहले वृद्ध तब एक एक करके सब जाने लगे, और जब वो अकेला रह गया तो स्त्री बीच में खड़ी रह गई। तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे पूछा कि हे स्त्री, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वो बोली, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा, अब से फिर पाप ना करना। ये वचन हम सब जानते हैं, इस दृष्टांत को भी जानते हैं। कल मैं पढ़ रहा था और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा प्रकाशन दिया। क्या है ये वचन? परमेश्वर क्या बताना चाहता है? यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? वही पापी नहीं है जिसका पाप दिख रहा है, जिसका पाप नहीं दिख रहा है वो भी पापी है। वो व्यभिचारिणी स्त्री को सब लोग देख रहे थे कि ये औरत गलत है। क्यों?
क्योंकि वो पकड़ी गई थी। जो भीड़ थी वो भी पापी थे, लेकिन वो पकड़े नहीं गए थे, इसलिए उन्हें था कि नहीं, हम पापी नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह उंगली से जमीन पर लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? पाप क्या होता है। आमीन। दोष लगाना पाप है, धोखा देना पाप है, किसी को गलत निगाह से देखना पाप है, किसी के लिए गंदी बात निकालना पाप है। वो लिख रहे थे पाप, कि पाप क्या क्या होते हैं। और जब सब लोग पढ़ रहे थे, ये भी पाप है, ये भी पाप है, ये भी पाप है, तो अपने आप को उसमें देख रहे थे कि मैं भी पापी हूं। आमीन। यीशु मसीह क्या बताता है? कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध करना है। हमने क्या वचन पढ़ा था? कि यीशु मसीह आपको मन फिराने के लिए बुलाने आया है, ताकि आप मन फिराएं, ताकि आप जानें कि आपके अंदर क्या अशुद्धता है। यीशु मसीह वो नाम है जो आपको पूरी तरीके से शुद्ध करने आया है। इसलिए अपने साथ यीशु मसीह का वो सामर्थी नाम हमेशा रखिए। अगर आप अपने घर में हैं और आप चिंता में हैं, यीशु मसीह का नाम लीजिए। बंधनों में हैं, यीशु मसीह का नाम लीजिए। बोलते रहिए, अंगीकार करिए कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। बोलिए एक दूसरे से कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। बोलिए एक दूसरे से कि यीशु मसीह मेरे परिवार का प्रभु है। आमीन। आपकी अगर मम्मी नहीं आती यीशु मसीह में, आपके अगर पति नहीं आते, बोलिए बोलिए यीशु मसीह मेरे पति का प्रभु है। बोलिए यीशु मसीह मेरे पिता का, मेरे पिता का प्रभु है। अंगीकार करिए, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। आप बंदर में हैं, आप मुश्किल में हैं, उसके नाम को धन्यवाद दीजिए। अपने आप आपकी मुश्किलें कमजोर हो जाएंगी, आपकी मुश्किलें पूरी टूट जाएंगी, जिस दिन आप यीशु मसीह के नाम को साथ में लेके चलेंगे। घर से निकलते समय यीशु मसीह का नाम लीजिए साथ में। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है। वो स्वर्ग से जमीन पर किसके लिए आया? ताकि आपको शुद्ध कर सके, ताकि आपको बता सके। गसमनी के समय में जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की अपने पिता से, उसने कहा कि ये प्याला मेरे सामने से हटा दे। वो उस पाप का प्याला था जिसे वो लेना नहीं चाहता था। वो पाप से अनजान था, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम धर्मी बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम धर्मी बने, और हम उद्धार पाने के बाद, मुक्ति पाने के बाद, फिर उन्हीं गलत रास्तों पे अगर जाएंगे, अपने से छोटे से लालच के लिए, छोटे से सुख के लिए, ना मेरी बहन, मेरे भाई, ना ऐसा विचार भी हमारे अंदर ना आए। हमें प्रभु मिल गया है, हमें यीशु मिल गया है। इसकी ताकत, इसकी कीमत को आप तब जानेंगे जब चारों दिशाओं में उसके स्वर्गदूत होंगे और तुरही आसमान से उसकी गूंज होगी और आप उठाए जाएंगे। तब आप उसकी कीमत को पहचानेंगे कि उसके नाम की शक्ति क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को धन्य कीजिए, उसकी कीमत को समझिए कि मुझे यीशु मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु है तो मैं हूं, नहीं तो यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन से यीशु का नाम हट गया, आप कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु का नाम सर्वस्व है। उस यीशु के नाम को हमेशा अपना बना के रखिए, अपने अंदर रखिए। उठते बैठते यीशु का धन्यवाद दीजिए, उसकी शक्ति को पहचानिए, उसकी शक्ति के साथ रहिए। प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाएगा, आपके जीवन में शांति देगा। आमेन। आज का वचन हमने ग्रहण किया, हालेलुया। जब भी आप मुश्किल में हो, जब भी आप उठें, मुश्किल ना भी हो, धन्यवाद देते रहिए यीशु मसीह का। हर दो मिनट के बाद, हर पल, हर क्षण उसका धन्यवाद दीजिए। काम करने से पहले, काम करने के बाद, काम करने के बीच में उसका धन्यवाद देते रहिए। ये आदत डाल लीजिए कि आपके मुख से यीशु मसीह का नाम निकले। आप देखिए आपके जीवन के बंधन ऐसे टूटेंगे, ऐसे आपके घर में आशीषों की बारिश होगी। आप देखिएगा, आपके परिवार में देखिएगा, यीशु के नाम का धन्यवाद अपने जीवन का आधार बना लीजिए कि मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, धन्यवाद, मैं यीशु मसीह की हूं। कोई फोन आए, बोलिए मैं बहुत आशीषित हूं। अरे भाई, कल तो हमने सुना था कि आपके पास पैसा नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित, मुझे यीशु मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परसों रात को तकरीबन 3 बजे या 2 बजे होंगे, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं सो रहा था अपने रूम में और मैंने यीशु को खड़े हुए देखा अपने रूम में। आज भी वो, अभी भी मेरे अंदर वो छवि है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, दाढ़ी, काली दाढ़ी, और यीशु मुझे देख रहे हैं। मैं लेटा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कौन खड़ा हुआ। वाकई मैं सपना नहीं देख रहा था, हकीकत में मैंने देखा, ये नहीं कि मैं सपने में हूँ, हकीकत में मैंने देखा कि प्रभु खड़े हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, यीशु आपको देखता है। आप सो जाते हैं ना, वो आपके सिर पर आकर बैठता है, वो आपको निहारता है। आप नहीं जानते, आप उसकी आंखों की पुतली हैं। एक माँ जब अपना बच्चा सो जाता है तो उसके पास आके बैठती है कि नहीं बैठती है? उसका सिर रहती है। कैसे यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे सिर के बाल तक गिने हुए हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप सो जाते हैं, रात को आपके सिरहाने बैठता है, आमेन, आपको निहारता है, आमेन। कभी भी उसको, उसके विरुद्ध कोई भी विचार आपके अंदर नहीं आने पाए। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं अंतिम समय, कभी भी कोई भी गलत विचार, उससे दूर जाने का विचार कभी भी आए, चाहे कितना भी आपको सामने पैसा दिख रहा हो, प्लीज मत अपनाइएगा। शैतान इस अंतिम समय में आपको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। शैतान का मकसद ही यही है कि किस तरीके से आपको दूर कर दे। अपने आप को बचाइए, यीशु आने वाला है, फिर मौका नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सारी दुनिया मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने आत्मा खो दी तो यीशु नहीं मिलेगा।